आपको हम दिखाते हैं भारतीय सेना का पराक्रम। इन दिनों जापान में धर्मगार्जुन युद्ध अभ्यास चल रहा है, जिसमें भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल रेजिमेंट और जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स यानी JGSDF की इन्फेंट्री इस संयुक्त अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। 2 मार्च तक चलने वाली इस आर्मी एक्सरसाइज में दोनों ही देशों के सैनिक एक दूसरे के रणकौशल का अनुभव साझा करेंगे, साथ ही साथ दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। ये कर्म क्षेत्र है, ये धर्म क्षेत्र है, ये लड़ाई की तैयारियों को परखने का रण क्षेत्र है। मैदाने जंग में हुंकार के लिए सेनाएं तैयार हैं। रण क्षेत्र में जाबाजी से पहले अपना दमखम दिखाने का ये खास मौका है। आपस में तालमेल और सहयोग से जंग जीतने के गुर सीखने का ये नायाब अवसर है। ये तस्वीर भारत और जापान की सेनाओं के संयुक्त धर्म गार्जियन अभ्यास की है, जहां भारत और जापान की सेनाओं के जवान आमने सामने हैं, लेकिन लड़ने के लिए नहीं, बल्कि ये तो एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध की रणनीतियां साझा कर रहे हैं। भारत और जापान का यह धार्मिक गार्जियन अभ्यास इन दिनों जापान के शिगा प्रांत के कैंप इमाजू में चल रहा है। इस दौरान दोनों सेनाओं के जवान एक दूसरे से मैदानी जंग के दांव पे सीखने और साझा करने में जुटे हैं। भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स JJSDF की इन्फेंट्री रेजिमेंट इस संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास में भाग ले रही है। भारत और जापान के बीच संयुक्त धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास इस बार का चौथा संस्करण है। पिछले साल कर्नाटक के बेलगाम में दोनों देशों की सेनाओं ने इस अभ्यास में हिस्सा लिया था। 2019 में मिजोरम के काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल में ये अभ्यास आयोजित किया गया था। 2018 में भी मिजोरम में ही ये अभ्यास आयोजित हुआ था। धर्म गार्जियन अभ्यास के दौरान एक तरफ जवानों को मन मस्तिष्क और बदन की फिटनेस के लिए भारतीय परंपरा के अनुसार योग आसन प्राणायाम की ट्रेनिंग दी जाती है, तो साथ ही साथ मार्शल आर्ट्स के जापानी गुर भी सिखाए जाते हैं। ये अभ्यास शहरी, अर्ध शहरी और जंगली इलाकों में किया जाता है। इस अभ्यास में न केवल दुर्गम इलाकों में बल्कि नाजुक हालात में भी ऑपरेशन चलाने के लिए दोनों सेनाओं के जवान अपने अपने तौर तरीकों की नुमाइश करते हैं और इससे जुड़े टिप्स आपस में साझा करते हैं। संयुक्त अभ्यास के दौरान हो रही कार्रवाई से साफ जाहिर है कि इसका मकसद न केवल जंग के हालात में पुख्ता कार्रवाई का है, बल्कि आतंकवाद जैसी गतिविधियों से निपटने के लिए ठोस तैयारी करना है। जापान के मुकाबले भारत को आतंकवाद और सरहदों से घुसपैठ की समस्या का खास तौर से सामना करना पड़ता है, क्योंकि कभी पाकिस्तान की शह पर आतंकी भारत में घुसने की कोशिश करते हैं तो अक्सर पूर्वी लद्दाख और पूर्वोत्तर में चीन सरहद की स्थिति से छेड़छाड़ की हिमाकत करता है। ऐसे में जापान की सेना के साथ मिलकर ये अभ्यास भारत के लिए पड़ोसी देशों की नापाक हरकतों से निपटने में बेहद कारगर साबित होने वाला है। जापान के मुकाबले में भले ही भारत की सेना ज्यादा बड़ी हो, ज्यादा आधुनिक हो, ऐसे में जापानी सेना भारत से देश और दुनिया के बदलते हालात के बीच नई युद्ध तकनीक साझा करेंगी, सीखना चाहेंगी, क्योंकि दोनों के लिए चीन जैसे बड़े दुश्मन से निपटना एक बड़ी चुनौती है। और ऐसे में चीन से लगी सरहद पर, चाहे समुद्री सरहद हो चाहे जमीन की सरहद हो, दोनों ही सेनाएं युद्ध की नई तकनीक और रणनीति आपस में साझा करेंगे। वहीं 2 सप्ताह के इस अभ्यास में भारत और जापान की सेनाओं को एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने, अपने व्यापक अनुभव साझा करने और हालात के मुताबिक कार्रवाई के लिए जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज का खास मकसद भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग के स्तर को बढ़ाना और मजबूत करना है। अभ्यास में शामिल होने के लिए भारतीय और जापानी सेना के जवान 12 फरवरी को कैंप इमाजू पहुंचे तो शानदार स्वागत हुआ। 17 फरवरी को शुरू हुआ ये संयुक्त अभ्यास 2 मार्च तक चलेगा। इस दौरान दोनों देशों की सेनाओं के जवान मिलकर योजना बनाने और सामरिक अभ्यास करने के लिए अपने अनुभवों को साझा करेंगे, तो साथ ही साथ भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ दोस्ती भी मजबूत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।